उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के धनोरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सारे मामले में आरोपी का नाम जुबैर पुत्र हनीफ बताया जा रहा है, जो कटरा कस्बा व थाना मंडी धनोरा का रहने वाला है, जिसके पास से अधबने हथियार, कारतूस और हथियार बनाने की फैक्ट्री के सभी उपकरण बरामद हुए हैं। सारे मामले में इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताते हुए कहा कि जुबैर नाम का आरोपी कर जेल भेज दिया गया है। सारे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताते हुए कहा कि पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है कि यह आरोपी कहां से हथियार बनाकर कहां सप्लाई करता था और कौन कौन इसमें शामिल हैं, सभी की पुलिस जाँच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के पास से 3 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व 12 बोर, 12 अधबने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण, ढोकनी, ड्रिल मशीन, सिकंजा व 2 हथौड़ी आदि बरामद हुई हैं, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में सूचना मिले कि पखरपुर के पास एक सुनसान पड़े अहाते में अवैध रूप से अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर करीब 15 बने और अधबने तमंचे बनाने की फैक्ट्री तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पहले से ही 11 मुकदमे हैं। ये लोग असलाह बनाकर जनपद में तथा आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। इनसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, जो असलहे का निर्माण करता था, वो अरेस्ट हो गया है और उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं इस संबंध में छानबीन की जा रही है। तो कहाँ का सप्लाई किया करते थे ये? इस जनपद के अलावा अन्य आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। इनके नेटवर्क के बारे में पता किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते। अब तक कितने लोगों की सप्लाई कर चुके हैं, अब कितने रुपये में बना के इस संबंध में विशेष रूप से छानबीन की जा रही है कि अब तक कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, कितने रुपये सामान बेचा करते थे जी। विवेचना में सब क्लियर हो जाएगा।